नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कल की हमारी वीडियो में, आज के दिन की हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके परफॉर्मेंस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों अगर से बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे या फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंट का मैंने ट्रेंड लाइन आप लोग के साथ में शेयर किया होता और हम लोगों ने यह डिस्कस किया था अगर इसे ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिल जाता है तो एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो मार्केट क्लोजिंग के बाद में हमारे पास नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिले थे, स्पेशली सेबी का जो सर्कुलर था उसके वजह से मार्केट में बहुत ज़बरदस्त पैनिकनेस जो है वो आज हमें देखने को मिला था। मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा था दोनों ही इंडेक्स में बहुत शार्प फॉल आज हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो भी एक्यूरेसी है वो अब तक के जो वीडियोस हैं, यानी कि आज तो कोई एक्यूरेसी का सवाल नहीं क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, स्ट्रेट फॉल मिला था। इससे पहले तक के जो भी वीडियोस शेयर किए हैं इनमें जो भी हमारी एक्यूरेसी है वो बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूँ। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। उसके बाद में वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी, लेकिन वो सीधा टिप्स में आ रहा था इसलिए हम लोगों ने अपनी उस सीरीज को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हैं तो मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बहुत डिटेल में यूट्यूब पर डिस्कस की है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है। आप लोग उस वीडियो को जाकर के चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो वो साबित हो सकता है। आगे जाकर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में, एक बार इसका प्रेडिक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर से यहाँ पे मार्केट में आज की भारी गिरावट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मार्केट में कोई पर्टिकुलर रीजन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसराइल का वॉर का एक न्यूज़ था लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर छोड़ जाए ऐसा नहीं था क्योंकि एशियन मार्केट्स पर आज हम लोगों को पॉजिटिव में दिखाई दे रहे थे, तो इतना कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं है। स्पेशल इंपैक्ट यहां पे मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है सेबी के सर्कुलर के बारे में जो कि एसटीडी का चार्जेस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन चलिए वो कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं करने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए, तो यहां पे वो कोई मेजर चीज़ है नहीं मार्केट को नीचे के लिए आने के लिए। स्पेशली जो ऑप्शंस को लगा करके जो हम लोगों को सर्कुलर देखने को मिल रहा है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट साइज फ्यूचर्स पे भी बढ़ेगा उसकी वजह से मार्केट में पैनिक ने जो है वो आज हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली स्पॉट्स के बारे में बात करेंगे, कैश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ इन सेक्टर्स को नेगेटिव जाने जैसी कोई न्यूज़ आज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही। तो मेरे हिसाब से वैसे भी इंडेक्स जो है वो जो स्पॉट होते हैं, मान लीजिए स्टॉक्स होते हैं, वो जैसे परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से इसको भी परफॉर्म करना होता है। आज मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ के कारण मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं आपके जैसे हमारे जैसे, उन्हें लगा कि बहुत भारी गिरावट हो सकती है तो लोगों ने अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशंस को भी जो है यहाँ पे काटना शुरू कर दिया, उसकी वजह से और पैनिकनेस मार्केट में आ गया और इस पैनिकनेस के चलते हम लोगों को मार्केट में बहुत ही शार्प फॉल आज देखने को मिल रहा है। बस यही रीज़न है, अदरवाइज स्टॉक्स में कोई नेगेटिव ट्रेंड है नहीं मेरे हिसाब से।
कल का जो हमारा मार्केट है या तो गैप अप खुलने के चांसेस है या तो यहाँ से मॉर्निंग सेशन में बुलिश ट्रेंड जो है वो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। एनीवेज निफ्टी बैंक निफ्टी की कोई भी पोजीशन हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड नहीं की हुई है क्योंकि मार्केट आज ज़बरदस्त नेगेटिव ट्रेंड में था। रीजंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मेरे हिसाब से मार्केट में कल पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्टेड है। काफ़ी बियरिश मार्केट देख करके बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजिशन सेल साइड की कैरी फॉरवर्ड करके रखी हुई, फिर वो स्पॉट पे हो सकती है, फिर वो स्टॉक्स में हो सकती है, फिर वो फ्यूचर्स पे या फिर ऑप्शंस पे भी हो सकती है। तो अगर पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी हम लोगों को आज के दिन में दिखाई दी है। सो किसी को अगर अपना बड़ा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट इसके लिए हो सकता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से मार्केट में बुलिश ट्रेंड जो है वो कल मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब ये सारा जो भी प्रिडिक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं ये बस एक व्यू हमारा दिन का रखने के लिए हम लोग करते हैं। प्रिडिक्शन के बेसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं करता है। तुरंत ही थंबनेल चेक करके कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि लेवल जो होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेवल ही नहीं एक्टिवेट होता है आप कमेंट कर देते हो सर आपने बुलिश बोला था मार्केट तो भी बेयरिश हो गया। देखिए यहाँ से मार्केट में पैनिकनेस बना हुआ है, वैसे भी हो सकता है जैसे आज हम लोगों को दिखाई दिया था, और जो हम लोग को दिखाई नहीं दिया था वो मैंने आज आप लोग के साथ में यहाँ पे शेयर किया हुआ है जो कि यहाँ से बहुत अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे 25,356 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके नीचे निफ्टी वीक हो सकती है। 25,292, 25,227, 25,144 और 25,066 यहाँ पे हमारे डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। तो 25,400 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है। 25,468, 25,551, 25,620 और 25,705 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना जो है वो होता है। बैंक निफ्टी में बात करेंगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी में भी एंड ऑफ द डे थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने अपनी पोजीशन को जो है होल्ड करके रखा हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका जो नियर बाय रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के लिए दूर है तो यहाँ से मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी कल मॉर्निंग सेशन में अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। 52,147 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। 52,356, 52,603, 52,847 और 53,074 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है। 51,792, 51,555, 51,307 और 51,088 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रिडिक्शन के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू।